हेलो फ्रेंड्स, रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 12वीं के पहला अध्याय फर्स्ट पार्ट है, जो विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जिसे प्रश्न के रूप में थोड़ा सा घुमा करके भी पूछा जा सकता है। जैसे कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के नियम का, गति के तृतीय नियम का पालन करता है, तो कैसे तृतीय नियम का पालन करता है, इसे हमें सिद्ध करके देखना है। या दूसरे तरह से पूछ सकता है, कूलाम बल का सदिश रूप में प्रदर्शन है ना, उसको हम कह सकते हैं। तो क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर में आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको समझना होगा, एक मैं बना दिया हूँ है ना, आप प्लेन में ले सकते हैं। तो मान लो हमारे पास दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, तो मैं लिखते भी जाऊं और साथ में समझाते भी जाऊंगा कि माना कि Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश हैं, जिसके परिमाण भी समान है, दोनों का परिमाण भी समान है ना। तो हम इसकी स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। तो स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए वो बता दूं। तो सबसे पहले हम एक्सिस को देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दो बिंदु आवेश है हमारे पास Q1 और Q2, ये Q1, एक Q1 और ये Q2। तो Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, देखिए यहाँ पर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से होकर के हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो उसमें एरो का निशान इस तरफ लगेगा। तो इसका मतलब हुआ वेक्टर R1 यानी स्थिति सदिश। तो ये स्थिति सदिश किसके लिए है, वेक्टर R1 Q1 की स्थिति सदिश है, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, जिस पर आवेश है ज्ञात करना है और जिसके सापेक्ष। तो जिस पर करना है ज्ञात, उस ओर एरो का निशान लगा होना चाहिए। तो देखिए एरो का डायरेक्शन किधर है, Q1 की तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे, Q1 की आवेश, Q1 की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। तो वेक्टर R1 क्या हुआ, Q1 के स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। इसी प्रकार देखिए ये Q2 है, तो इसको मूल बिंदु के सापेक्ष लेंगे, तो इसका वेक्टर क्या होगा, स्थिति सदिश वेक्टर R2 क्या होगा, Q2 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। सेम चीज हो जाएगा, Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, और वेक्टर R2 क्या होगा, Q2 की स्थिति सदिश हो जाएगी किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। फिर देखिए Q1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष निकाले, यदि हम लोग देखिए ये Q2 के सापेक्ष, तो एरो का निशान देखिए Q1 की तरफ आ रहा है, तो उसका जो होगा वो हमारा क्या होगा, R12 होगा। ये देखिए Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, Q2 दूसरा आवेश है, तो आवेश Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, तो Q2 के सापेक्ष माने उधर से आ रहा है एरो का डायरेक्शन, तो हमारा हो जाएगा ये जो R1 है R12 हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर R12 ये क्या बनेगा, 12 आवेश Q1 की आवेश, इसको भी लिख सकते हैं ऊपर में, आवेश Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, आवेश Q2 के सापेक्ष। अब मान लीजिए हम Q2 का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, तो आवेश Q2 की स्थिति सदिश में क्या हो जाएगा, देखिए एरो का डायरेक्शन इसके तरफ है, Q2 के सापेक्ष के तरफ है, तो Q2 की स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, R21 हो जाएगा। तो वेक्टर R21 क्या बनेगा, आवेश Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। ये देखिए ये हो गया हमारा वेक्टर R21। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, एक बार फिर बता रहा हूं, Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, ये देखिए डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर R1 स्थिति सदिश निकल गया।
Q2 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, एरो का डायरेक्शन इधर है यानी वेक्टर R2 हो गया। फिर Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, तो देखिए एरो का निशान इधर है, डायरेक्शन किस तरफ, Q1, तो आवेश Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, और आवेश Q2 चार्ज Q2 का स्थिति सदिश R21 हो जाएगा, वेक्टर R21 ये हो गया, वेक्टर R21 किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकाल लिए। अभी हम एकांक सदिश ज्ञात करेंगे, और एकांक सदिश आप कक्षा 11वीं में पढ़े हैं, आप याद करिए एकांक सदिश जो केवल दिशा बताता है ना, तो एकांक सदिश को कैसे डायरेक्शन देते हैं, उसका कैप के साथ ऐसे, तो R12 एकांक सदिश R12 यानी कैप R12 इसके लिए, तो कैप R12 जो R12 है वो क्या है, हमारा वेक्टर है तो स्थिति सदिश है, लेकिन उसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, कैप 12 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैप 12 R12 क्या बनेगा, वेक्टर R12, वेक्टर R12 का एकांक सदिश, एकांक सदिश ठीक है, और कैप एवं कैप R21 कैप के रूप में लेंगे, माने एकांक सदिश होगा किसका होगा, ये वेक्टर R21 का एकांक सदिश, डू कर देते हैं का एकांक सदिश, समय कम लगेगा ऐसे में, तो कैप R21 क्या बना, वेक्टर R21 का विस्तृत एकांक सदिश हो गया। अब हम जानते हैं सदिश को निरूपित करने के लिए, अच्छा साथ में मैं बल को भी दिखा दूं, यहां पर देखिए बल क्या लग रहा है इस तरफ, चूंकि दोनों समान आवेश है, Q1 और Q2 क्या है, समान आवेश है, तो यहां हम लिख लें चूंकि आवेश Q1 व Q2 समान आवेश है, समान आवेश मतलब लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो उसी तरह से आप यहां से सोचिए, देखिए Q1 और ये Q2 है, दोनों या तो पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा तब भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों यदि पॉजिटिव भी हुआ तो भी प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, यहां पर से देखिए ब्लैक वाले को देखिएगा इस तरफ, ये देखिए Q2 पर Q1 के कारण बल लगेगा, Q1 उसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर फेंकेगा, तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, तो चूंकि Q1 व Q2 समान आवेश है, अतः एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अतः एक दूसरे को रिपल करेंगे, है ना, प्रतिकर्षित करेंगे, तब Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या कहलाएगा, हमारा F21 कहलाएगा। ये देखिए F21 माने बल लगा रहा है उसको, प्रतिकर्षित करेगा Q2 को, है ना, तो Q2 पर लगने के वाला बल किसके कारण, F1 के कारण, ये देखिए F21, इसलिए F21 क्या हुआ हमारा, Q2 पर आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q1 के कारण लगने वाला बल। इसी तरह से उस तरफ को देखिए, यहां पर ब्लू वाले को देख लीजिए, तो Q1 पर किसके कारण बल लग रहा है, Q2 के कारण, तो जितने बल Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 को भी प्रतिकर्षित करेगा, उतना ही बल लगाएगा, मतलब उस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, तो ये जो बल होगा F12 होगा। तो यहां पर देखिए F12, तो F12 क्या हुआ, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, Q1 पर लग रहा है ना, ये फोर्स लगा रहा है, तो F12 क्या हुआ, आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, ये हो गया लगने वाला बल, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। अब हम सदिश के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। अब हम देंगे F12 अर्थात F12 लगने वाला बल का कूलाम बल के रूप में, है ना, सदिश निरूपण, कूलाम बल का
सदिश निरूपण। तो कुलाम बल का सदिश निरूपण के रूप में इसे लिखेंगे। तो वेक्टर एफ वन या सदिश निरूपण क्या होता है हमारा, परिमाण गुणा दिशा, क्या हो जाता है दिशा। तो सबसे पहले हम कुलाम के नियम से इसका परिमाण लिखेंगे, वेक्टर एफ वन टू, ये देखिए वेक्टर एफ वन टू। अब इसका परिमाण कुलाम के नियम से हम जानते हैं इसका परिमाण कितने के बराबर होता है, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर और इनटू दिशा। तो देखिए एफ वन टू के लिए दिशा क्या है हमारा, एकांक, एकांक सदिश को डायरेक्शन के लिए केवल लेते हैं, तो एकांक सदिश क्या है कैप आर वन टू, कैप आर वन टू, आर वन टू के लिए ये देखिए दिशा यहां से है ना, आर वन टू वेक्टर के लिए कैप वन आर वन टू। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। तो कुलाम बल का सदिश निरूपण वेक्टर एफ वन टू का निकल गया, इसको समीकरण नंबर एक दे देते हैं। और दूसरा वेक्टर एफ टू वन माने एफ टू वन पर लगने वाला बल, उसका सदिश निरूपण क्या हो जाएगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर इंटू कैप आर टू वन। ये हो गया समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और दो में देखने जाने से पहले आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि दोनों पर समान आवेश लग रहा है, दोनों का आवेश समान है इसलिए प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां से हम लिखें कि चूंकि प्रतिकर्षण बल है इसलिए हमारा क्या होगा, कैप आर वन टू का डायरेक्शन किसके बराबर होगा, माइनस कैप आर टू वन के बराबर हो जाएगा। तो हम इसे समीकरण नंबर एक में रख देंगे। देखिए आर वन टू के जगह क्या हो जाएगा, माइनस आर टू वन, क्यों आगे होगा, क्योंकि दोनों का प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दोनों के ऊपर क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अतः यह समीकरण एक से या एक में मान रखने पर वेक्टर एफ वन टू इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर इंटू कैप वन टू है आर वन टू, कैप आर वन टू उसके जगह पर क्या हो जाएगा, कैप माइनस हो जाएगा, माइनस कैप आर टू वन। और ये माइनस सामने ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस सामने आ गया वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर इंटू कैप आर टू वन, कैप आर टू वन। और ये कितने के बराबर हुआ, देखिए तो एक बार कि वेक्टर एफ वन टू दैट सिंप्लाइज मैं इधर लिख देता हूँ, वेक्टर एफ वन टू इक्वल टू माइनस, तो समीकरण नंबर दो से देखिए वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर अपान आर स्क्वायर इंटू कैप आर टू वन किसके बराबर है, एफ टू वन के बराबर है। और यही चीज यहाँ पर भी है, देखिए ये यहाँ पर भी है, इसका मतलब हम इसको इतने को किसके बराबर लिख सकते हैं, एफ टू वन के बराबर लिख सकते हैं, वेक्टर एफ टू वन। और ये माइनस का माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए दोनों पर लगने वाला बल समान है, एफ वन टू और एफ टू वन दोनों समान है, बराबर है, किंतु दिशा विपरीत है। तो जो नेगेटिव है वह साइन किसको दिखाता है, साइन नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, विपरीत दिशा को। तो आप इस प्रकार सिद्ध कर देते हैं कि कुलाम का जो नियम है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, जो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पर लगने वाला बल समान होता है किंतु दिशा विपरीत होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि कुलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। यहां से केवल आपको कुलाम बल का सदिश निरूपण कहेगा तो आप इस तरह से इन दोनों सूत्रों को लिख सकते हैं, एफ वन टू और एफ टू वन के मान को सदिश निरूपण कहेंगे। लेकिन यदि तृतीय नियम को सिद्ध करने की बात आई तो आप यहां तक पूरा करें तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।